फॉरेस्ट रेंजर जो कि वन विभाग में एक जाना माना और उच्च पद होता है और बहुत से कैंडिडेट फॉरेस्ट रेंजर बनने का सपना देखते हैं और जिसके लिए रात दिन तैयारी भी करते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम फॉरेस्ट रेंजर कैसे बने इससे संबंधित सभी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फॉरेस्ट रेंजर जिसे रेंजर और हिंदी में वन क्षेत्रपाल और शॉर्ट फॉर्म में FRO कहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि किसी भी राज्य के जंगल को सर्किल में डिवाइड किया जाता है और सर्किल को डिवीजन में और डिवीजन को फॉरेस्ट रेंज में डिवाइड किया जाता है और एक फॉरेस्ट रेंज में लगभग 50 से 100 किलोमीटर का एरिया आता है जिसमें 200 से 500 कर्मचारी कार्य करते हैं और उस रेंज को मैनेज करने का कार्य फॉरेस्ट रेंजर करते हैं जो कि उस फॉरेस्ट रेंज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह कार्य करता है, जिनका मुख्य कार्य जंगल के नियम कानूनों को जंगल में इंप्लीमेंट करना, जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाना होता है, जंगल का निरीक्षण करना, जंगल में बेकार पड़ी भूमि को उपयोगी बनाने के लिए योजनाएं बनाना, बेकार सूखे व रोगग्रस्त पेड़ों को कटवाकर उनके स्थान पर कीमती वृक्षों को लगवाना, जंगल में विलुप्त होने वाले जानवरों और वनस्पतियों की रक्षा करना, उनकी प्रजाति को आगे विकसित करने के लिए योजनाएं बनाना, जंगल में प्राकृतिक आपदा आने पर उसका समाधान करना, उससे जंगली जानवरों की रक्षा के लिए योजना बनाना, जंगल के नियम कानूनों का उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जंगल में कार्य करने वाले वर्कर्स के कार्यों की निगरानी करना और उनके रेंज एरिया में कोई रोड्स, बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो उसकी निगरानी करना और जंगल में चलाई जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत जो भी कार्य होता है उन सभी का डेटा कलेक्ट करना और उसे सीनियर डिपार्टमेंट को भेजने का कार्य भी फॉरेस्ट रेंजर का होता है। फॉरेस्ट रेंजर का वेतन, इन्हें प्रति माह 35,000 से 50,000 रुपए की लगभग वेतन मिलता है। फॉरेस्ट रेंजर बनने के लिए योग्यता, फॉरेस्ट रेंजर बनने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है और वो भी एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टेटिक्स, वेटरनरी साइंस, जियोलॉजी से ग्रेजुएशन पास की होनी चाहिए या कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग कर रखी हो, सिविल से, केमिकल से, एग्रीकल्चर से, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल से कर रखी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे OBC वालों के लिए 2 साल की, SC/ST वालों के लिए 5 साल की आयु में छूट दी जाती है। फॉरेस्ट रेंजर भर्ती प्रक्रिया, फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती परीक्षा में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसे पास करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसके बाद कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सभी राज्यों में भर्ती प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में लिखित परीक्षा 2 पार्ट में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हिंदी के 100 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 0.2 नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें 30% नंबर लाने जरूरी होते हैं। जिसके बाद पेपर 2 होता है जिसमें जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, रीजनिंग के 100 नंबर के 300 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 घंटे का पेपर होता है। जिसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जो कि 50 नंबर का होता है और इन सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी लिखित परीक्षा 2 पार्ट में होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड के 150 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है और मुख्य परीक्षा में 1400 नंबर का पेपर होता है और जिसकी टाइमिंग 3 घंटे होती है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रेंजर भर्ती प्रक्रिया की, तो यहाँ पर प्रारंभिक और मुख्य 2 परीक्षा होती है।
प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में सामान्य अध्ययन फर्स्ट के 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर टू में भी सामान्य अध्ययन टू के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 33% नंबर लाने जरूरी होते हैं। और इन दोनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस अलग अलग होते हैं, जिसके बाद मुख्य परीक्षा होती है जिसमें 1100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 3 घंटे का पेपर होता है और 6 विषयों से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड और सामान्य अध्ययन फोर्थ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन सभी का सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए सिलेबस में बदलाव आ सकते हैं, इसलिए आप अपने राज्य का नाम हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके राज्य के सिलेबस की PDF आपको प्रोवाइड कर सके, या आप चाहेंगे तो हम उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें हाइट पुरुष ST कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर और बाकी सभी के लिए 163 सेंटीमीटर, यही फीमेल ST कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर और बाकी सभी के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट पुरुष के लिए 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 69 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। जिसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट को 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ और महिला कैंडिडेट को 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। जिसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, और कुछ राज्यों में इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि बिहार में 50 नंबर का और उत्तराखंड में 75 नंबर का इंटरव्यू लिया जाता है। फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी डिटेल, दोस्तों सभी राज्यों के लिए अलग अलग समय पर वैकेंसी निकलती है। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना होगा ukpsc.gov.in, जिसके बाद उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप उत्तराखंड वन विभाग में चलने वाली सभी लेटेस्ट वैकेंसी का पता कर सकते हैं, जिन पर क्लिक करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर वैकेंसीज का पता कर सकते हैं, और अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप अपने राज्य का नाम नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको आपके राज्य की वेबसाइट बता देंगे। फॉरेस्ट रेंजर के लिए बेस्ट बुक, दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए हम बेस्ट बुक्स ढूंढ कर लाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज से रिलेटेड प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो इनके लिए बेस्ट बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।